गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हमने प्रायिकता के बेसिक को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है। आज का हमारा टॉपिक है वो प्रायिकता के प्रश्नों को लेकर रहेगा कि किस प्रकार से प्रायिकता में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने बेसिक में ताश के पत्ते हैं, सिक्के हैं, पासा है, कैलेंडर है, इनके बारे में जाना है बेसिक्स में। आज हम इसके प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका जाता है और चार से बड़ा अंक आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास कुल संभव जो परिणाम है वो क्या होंगे। तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, एक पासे को फेंकने पर, देखो एक पासे को हम फेंकेंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, हमारे पास कुल कितने संभव परिणाम है हो सकते हैं, तो हम कुल संभव परिणाम देखेंगे सबसे पहले। तो कुल संभव परिणाम देखो, एक पासे को हम फेंक रहे हैं, एक ही बार फेंक रहे हैं, तो एक बार फेंकें तो पासे पर एक से छह तक के क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो हमारे पास एक से छह तक क्या हो सकते हैं, एक से छह तक कोई भी परिणाम आ सकता है। तो पासे को हम फेंकेंगे एक बार तो हमारे पास जो कुल संभव परिणाम हो वो एक से क्या होंगे, छह तक होंगे। कुल कितने हो गए, छह हो गए, कुल कितने हो गए, छह परिणाम हो सकते हैं। एक पासे को हम फेंकेंगे तो हमारे पास कुल जो संभव परिणाम आएंगे वो कितने आ सकते हैं, छह परिणाम आ सकते हैं। अब ये जो छह परिणाम है, इन छह परिणामों में से हमें ये देखना है कि चार से बड़ा अंक, अब हमें क्या देखना है, प्रायिकता किसी ज्ञात करनी है, चार से बड़ा अंक आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चार से बड़ा अंक देखना है, नहीं देखो चार से बड़ा दे रखा है, तो चार से बड़ा क्या है, इसमें एक तो पांच है और एक क्या है, छह है। तो चार से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम देखेंगे हम, चार से बड़ा अंक आने के क्या देखेंगे, अनुकूल परिणाम। तो क्या देखेंगे, चार से बड़ा अंक, चार से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब हमें ये देखेंगे कि चार से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं। तो चार से बड़ा अंक कौन कौन सा है इसमें पासे में, एक तो पांच है और एक क्या है, छह है। तो कितने अंक है चार से बड़े, दो अंक है, कितने अंक है, दो अंक। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करेंगे, इसकी प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। क्या होगा प्रायिकता, क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, दो हैं, और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास है, छह। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम हो गया दो बटे छह। अब देखते हैं इसमें दो का भाग दोनों में जा रहा है, दो में इसमें क्या करेंगे हम, दो का भाग लगा देंगे, दो में दो का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, छह में दो का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तीन बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, एक बटे तीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करना है, पहले सबसे पहले तो इसमें एक पासे को फेंकेंगे तो हमें ये देखना है कि इसमें कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम एक दो तीन चार पांच छह होंगे, कुल कितने हो गए, छह परिणाम हो गए। चार से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, पांच और छह, जो कि चार से क्या है, बड़े हैं, कितने हो गए, ये दो। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, दो, कुल संभव परिणाम कितने हैं, छह है, दो का भाग लगा दिया कितना आ जाएगी, एक बटे तीन। अगला जो दो नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है और दोनों बातचीत आने की क्या करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को कितनी बार उछालेंगे, दो बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभव परिणाम देखेंगे क्या आएंगे, क्या लिखेंगे, सिक्के को देखो इसका हल है वो क्या होगा, सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, हम सिक्के को दो बार उछालेंगे
तो हमारे पास कुल संभव कितने परिणाम हो सकते हैं? देखो सिक्के को दो बार जब उछाला जाता है तो हमारे पास क्या आ सकते हैं? देखो दोनों बार चित आ सकते हैं। एज का मतलब हेड यानी कि चित, दोनों बार आ सकते हैं। पहली बार भी एच आ जाए, दूसरी बार भी क्या आ सकता है? एच आ सकता है। या फिर एक बार एच आ जाए, एक बार टी आ जाए, या फिर एक बार टी आ जाए और एक बार क्या आ जाए? एच आ जाए, या फिर दोनों बार ही क्या आ जाए? टी आ जाए। टी का मतलब पट होता है, एच का मतलब चित होता है। तो ये हमारे पास कुल जो संभव परिणाम है वो कितने होंगे? इसमें चार होंगे। जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो हमारे पास कुल जो संभव परिणाम आएंगे वो कितने आ सकते हैं? चार कुल संभव परिणाम आ सकते हैं। ये इस प्रकार से दोनों बार चित आ सकता है, एक बार चित और एक बार पट आ सकता है, या फिर एक बार पट एक बार चित आ सकता है, दोनों बार क्या आ सकते हैं? पट आ सकता है। अब हमें क्या करना है? प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है? हमने सिक्के को दो बार उछाला तो कुल संभव परिणाम आए हैं, हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? दोनों बार चित आने की। अब ये देखेंगे कि हम दोनों बार चित कहां पर आ रहा है। दोनों बार चित आने, पहली बार उछाला चित आया और दूसरी बार उछालेंगे तो भी क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। तो ऐसा परिणाम हमारे पास एक ही है, चित इसमें ही आ रहा है दोनों बार। देखो पहली बार भी चित, दूसरी बार में भी क्या है? चित है, और किसी में नहीं है, दोनों बार में चित। तो हमें यह देखना है कि दोनों बार क्या होना चाहिए? चित होना चाहिए। तो इसमें आ रहा है दोनों बार चित, तो देखो दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम। तो दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है? एक ही है, एच। कितना हो गया ये? एक। कुल कितने परिणाम है हमारे पास? दोनों बार चित आने के एक परिणाम है। अब इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या है? एक है। कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं? चार हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक बटे चार। जब हम सिक्के को दो बार उछालेंगे और दोनों बार चित आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी हमारे पास? एक बटे चार। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है कि 1 से 17 तक की हमें प्राकृत संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से हमें क्या करना है? एक संख्या का चयन करना है, ठीक है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि क्या है ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें कुल संख्याएं कितनी दी गई है? प्राकृत संख्याएं 1 से 17 तक दी गई है। तो क्या करेंगे हम, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं लिखते हैं पहले, तो 1, 2, 3, 4, 1 से हमें 17 तक की प्राकृत संख्याएं लिखनी है। ये हमने 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हैं। कुल कितनी है? ये 17 है। इन संख्याओं में हमें क्या करना है? एक संख्या का अपनी इच्छा से क्या करना है? चयन करना है अपनी इच्छा से। और ये कैसी संख्या होनी चाहिए? ये संख्या कैसे होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। और वो दो गुणनखंड क्या होते हैं? एक तो एक होता है और एक वो स्वयं वो संख्या ही होती है, कि वो जो संख्या होती है वो स्वयं ही होती है। तो इसमें हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है। 1 से 17 तक की क्या है? कुल टोटल 17 संख्याएं हो गई हमारे पास प्राकृत संख्याएं। एंड इन प्राकृत संख्याओं में क्या करना है? हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 17 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जिनके गुणनखंड केवल और केवल दो ही हैं। एक तो एक होता है और एक ही स्वयं संख्या है। इनके अलावा और किसी संख्या से ये क्या है? विभाजित नहीं हो रही है और संख्या इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो हमारे पास देखो कुल अभाज्य संख्या 1 से 17 तक की कितनी है? अभाज्य संख्याएं देखे हम 1 से 17 तक, तो अभाज्य संख्या कितनी होगी? देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 कुल कितनी हो गई है? देखो ये हो गई कितनी? 7। कितनी हो गई ये? 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हो गई? ये 7 हो गई।
अब क्या करनी है हमें, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी देखो, प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी है, टोटल 7 है। कुल हमें प्राकृत संख्याएं कितनी दे रखी है, कुल हमें दे रखी है 17, तो ये हो जाएगी 7/17। देखो अभाज्य संख्या तो कितनी है, 7 है, और कुल कितनी संख्याएं दे रखी हमें प्राकृत संख्याएं, 17 दे रखी है, तो 7/17 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में लगातार चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को क्या करा है, लगातार 3 बार उछाला जा रहा है एक सिक्के को, और तीनों बार में क्या है, देखो लगातार चित या पट क्या आनी चाहिए, देखो तीनों बार या तो चित आने चाहिए या फिर तीनों बार क्या आने चाहिए, पट आने चाहिए, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास कुल संभव परिणाम क्या होंगे, देखो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या आएंगे वो देखते हैं। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम पहले तो हम देखते हैं कुल संभव परिणाम क्या आएंगे। तो देखो हमारे पास कुल संभव जो परिणाम आएंगे वो इस प्रकार से आ सकते हैं, तीनों बार एच आ सकता है, 2 बार एच और 1 बार पी आ सकता है, 1 बार एच आ जाए, 2 बार क्या आ जाए, पी, या फिर देखो एच टी एच इस प्रकार से आ सकता है, या फिर टी टी एच, टी का मतलब पट होता है, एच का मतलब चित होता है, ये हमने बेसिक में जान लिया है अच्छे तरीके से, या फिर इस प्रकार से आ सकता है देखो टी एच एच टी एच टी, या फिर टी टी टी, इस प्रकार से हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं, देखो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, ये कुल 8 हो गए, कितने हो गए ये 8। तो हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास कुल कितने संभव परिणाम आएंगे, 8 परिणाम आ सकते हैं। अब हमें इन कुल संभव परिणामों में से लगातार चित या पट देखना है कि किसमें लगातार तीनों बारी या तो ऐसा आना चाहिए तीनों बार, या फिर तीनों बारी क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितने होंगे, देखो लगातार चित या पट, लगातार चित या पट आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो लगातार चित या पट आने के अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या होंगे, देखो एक तो इसमें आ रहा है लगातार एच आ रहा है, लगातार चित आ रहा है, और देखो लगातार किसी में इनमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या है लगातार क्या आ रहा है, पट आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे 2 परिणाम है जिसमें लगातार या तो चित आ रहे हैं या फिर पट आ रहे हैं। तो कौन कौन से 2 परिणाम है, एक तो ये एच 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 वाला है, इसमें लगातार क्या आ रहा है, इसमें लगातार चित आ रहा है, और एक है ये टी टी टी, इसमें भी लगातार, इसमें लगातार क्या आ रहा है, इसमें लगातार क्या है, पट है। तो हमारे पास ऐसे कुल 2 अनुकूल परिणाम है जिसमें लगातार या तो चित आ रहा है या इसमें पट आ रहा है। तो कुल कितने परिणाम हो गए, इसमें अनुकूल परिणाम 2 हो गए। अब इसकी हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल संभव परिणाम बट्टे में आ जाएगा, अनुकूल परिणाम क्या आएगा ऊपर एच में, तो क्या होगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 2 हैं और कुल संभव परिणाम कितने हैं 8 हैं। अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे दोनों में, 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, तो इसकी प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष हमें दिया गया है और इस लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें पहले तो यह दिया गया है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष को क्या कहते हैं, लीप वर्ष। देखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष या लीप वर्ष एक ही बात है, साधारण वर्ष को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष, लीप वर्ष होता क्या है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष क्या होता है, यानी कि जब एक साल में 365 दिन हो, यानी 365 दिन हो तो उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, और 366 दिन हो, यदि पूरी साल 366 दिन की हो तो वो क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा।
तो साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन, 365 दिन होते हैं साधारण या ऐलिप वर्ष में। हमें देखो 365, ये जो 365 दिन होते हैं, ये जो 365 दिन होते हैं इसको हम दो भागों में बांटेंगे। जो 365 दिन होते हैं इसमें क्या होता है, इसको कर लेते हैं 364 दिन प्लस एक दिन, ये रहेगा 365 को हमने क्या किया 364 दिन प्लस एक दिन कर लिया। अब ये जो 364 दिन होते हैं, देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। यदि हम 364 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 52 आएगा। कहने का मतलब कितना आया देखो 52 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 364 दिनों में कितने सप्ताह हो गए 52 सप्ताह हो गए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 7 का 364 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 52 आ जाएगा। तो 52 क्या हो गए हमारे पास सप्ताह हो गए, कितने सप्ताह हो गए 52 सप्ताह है। और प्लस में ये एक दिन क्या रहता है शेष रहता है, 52 सप्ताह हो गए और एक दिन क्या रहेगा हमारे पास शेष रहेगा। देखो 365 को हमने दो भागों में बांटा है 364 प्लस एक दिन। अब ये जो 364 दिन होता है इसमें 52 सप्ताह हो गए और एक दिन हमारे पास शेष रह गया। अब आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में कितने बार होते हैं 7 बार होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इस प्रकार से कितने बार हो गए 7 बार हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह में एक वार है वो एक बार आता है, जैसे रविवार है वो एक सप्ताह में एक बार आएगा, तो 52 सप्ताह में कितने बार आएगा 52 बार आएगा। तो 52 सप्ताह में जो रविवार है, रविवार है वो कितनी बार आएगा 52 बार आएगा। 52 सप्ताह में रविवार है वो कितनी बार आएगा 52 बार आ जाएगा 52। अब देखो ये 52 बार आ गया। अब ये जो एक दिन शेष रहता है ना, ये एक दिन है ये सातों दिनों में से कोई भी एक हो सकता है। ये जो एक दिन है ये क्या हो सकता है देखो, ये रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, सातों दिनों में कोई भी एक हो सकता है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, कितने कितने प्रकार से हो गया। देखो ये जो एक दिन शेष रहता है इसमें देखो रविवार एक बार आ सकता है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, इस प्रकार से क्या है ये एक के बाद इसमें से कोई भी एक हो सकता है ये एक दिन। लेकिन 52 सप्ताह में देखो एक सप्ताह में क्या होता है रविवार है वो एक बार आएगा, इसलिए 52 सप्ताह में रविवार कितनी बार आएगा 52 बार आएगा। अब ये जो एक दिन शेष रहता है ये एक दिन है इनमें से कोई भी एक हो सकता है, जो हमने लिख रखे हैं इस प्रकार से। अब ये देखना है हमें कि हमारी जो प्रायिकता है वो हमें क्या ज्ञात करनी है, 52 रविवार, केवल 52 रविवार आने की हमें क्या करनी है प्रायिकता ज्ञात करनी है, केवल 52 रविवार आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो 52 रविवार तो क्या हो गया 364 दिन में आ गए, 364 दिन में कितने रविवार आ गए 52 रविवार आ गए, यानी कि 52 सप्ताह हुए हमारे पास तो 52 रविवार आ गए। अब देखो 52 रविवार तो हमारे पहले से आ चुके हैं, यहां पर ये जो एक दिन शेष रहता है इसमें भी क्या है ये रविवार आ सकता है। हमारे पास जो एक दिन शेष रहता है 52 सप्ताह होने के बाद इसमें भी क्या है देखो रविवार एक बार आ सकता है। यदि हम इसमें एक रविवार और शामिल कर लें तो कितने हो जाएंगे टोटल 53 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे देखो 53 रविवार हो जाएंगे। फिर 52 तो क्योंकि पहले से आ चुके हैं हमारे पास, यदि हम ये रविवार इसमें और शामिल कर दें तो हमारे पास कितने रविवार हो जाएंगे 53 रविवार हो जाएंगे। और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसलिए ये जो वार है इन देखो एक दिन जो शेष रहता है इसमें 7 प्रकार से हो सकता है, हमारे पास कुल कितनी संभावनाएं हैं ये 7 प्रकार से है। अब ये जो एक दिन शेष रहता है इसमें ये जो रविवार है ये नहीं आना चाहिए, क्या है देखो 52 रविवार हमारे पास पहले से आ चुके हैं, इसको हम शामिल कर लेंगे तो हमारे पास 53 रविवार हो जाएंगे। लेकिन हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 52 रविवार आने की, केवल 52 रविवार आने की। तो इन सातों दिनों में ये एक रविवार है ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि
ये रविवार आ जाएगा तो हमारे पास कितने कंडीशन बन जाएंगे, 53 रविवार हो जाएंगे। इसलिए हमारी जो प्रायिकता है वो क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी कि ये जो हमारे पास 7 कंडीशन है इनमें ये रविवार नहीं होना चाहिए। बाकी देखो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, इनमें ये है रविवार न आने की प्रायिकता हम ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंडीशन है इनमें रविवार न आने की हम क्या करेंगे, प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। वो केवल क्या हो जाएगी, फिर केवल 52 रविवार की हो जाएगी। इसमें से हम रविवार को हटा देंगे ना, एक दिन से रहते इसमें से रविवार को हम हटा देंगे तो हमारे पास किसकी प्रायिकता आएगी, 52 रविवार आने की हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। तो हमारी जो प्रायिकता देखो इस रविवार को हम छोड़ दें, कुल हमारे पास कंडीशन कितनी है, 7 है, ठीक है ना। कुल तो कंडीशन है एक दिन शेष रहता है, इसकी कुल कंडीशन हमारे पास कितनी है, 7 है। इसमें से हम रविवार को छोड़ दें, रविवार को छोड़ दें तो कितनी कंडीशन रहती है, देखो कितनी संभावनाएं रहती है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी रहती है, 6 संभावनाएं रहती है। तो हम रविवार न आने की प्रायिकता क्या कर लेंगे, इसमें ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें 52 रविवार तो पहले से आ चुके हैं। तो ये जो एक दिन शेष रहता है इसकी क्या करेंगे, हम रविवार न होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। इसके रविवार न होने की प्रायिकता क्या होगी, 6/7 है। इसकी ये रविवार नहीं होगा तो हमारे पास कितने रविवार बचेंगे, ओनली 52 रविवार बचेंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी।